हेलो गाइस, तो स्टूडियो बात करेंगे आपके यूपीएस के बीएलएलबी कोर्स के बारे में कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेनी है अपने बोर्ड्स के परसेंटेज के थ्रू तो आप कैसे ले सकते हो, जिसमें आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, जो कि यूपीएस का अपना एंट्रेंस एग्जाम है, आपको वो भी देने की जरूरत नहीं, कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, आपकी डायरेक्ट एडमिशन होगी आपके जो बोर्ड्स परसेंटेज है उसके थ्रू। तो इसका क्राइटेरिया है कि आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए आपकी क्लास 10th में और 12th में, और 12th के जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लाके आपके 75% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो ही जो आपको उसका डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा। अगर किसी के इतना तो मैं उसको प्रॉपर पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपके दोनों में 10th में भी 75% से ज़्यादा आए थे बोर्ड्स में और 12th में इस बोर्ड्स में जो 75% ज्यादा है जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स है उसमें, तो आपको करना है डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिख जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर पूछ सकते हो क्या क्या प्रोसेस है डायरेक्ट एडमिशन का, आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे और आपकी डायरेक्ट एडमिशन करवा भी देंगे। इसमें वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जो आपकी यूपीएस की फीस है सिर्फ कोई देनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई डायरेक्ट एडमिशन का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, तो आपको कोई चार्ज पे करना नहीं है इसका डायरेक्ट एडमिशन का। और इसको चैट नहीं करनी तो मेरे टोल फ्री नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो और उस पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हो क्या क्या प्रोसेस है, वो प्रॉपरली पूरा गाइड कर देंगे। और इसको कॉलेज चैट नहीं करनी तो मैंने गूगल फॉर्म लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको जैसे ही फॉर्म फिल करोगे यूपीएससी से थोड़ी देर में कनेक्ट कर लेगी और प्रॉपरली पूरा प्रोसेस समझा देगी और आपके डायरेक्ट एडमिशन करवा देगी। और किसी को गूगल फॉर्म नहीं भरना है, कॉलेज चैट नहीं करना, डायरेक्ट जो यूपीएससी एडमिशन वो ही फिल करना है जाके, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देखा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आपकी यूपीएससी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपका जो एडमिशन फॉर्म वो खुल जाएगा, आप वहाँ पे नॉन एग्जाम पाथवे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको दो ऑप्शन दिखेंगे एग्जाम पाथवे नॉन एग्जाम पाथवे, और फिर आगे अपना फॉर्म भर सकते हो जो भी डिटेल्स मांगते हैं, और उसमें अपने बोर्ड्स की परसेंटेज डाल देनी है और फिर बाकी जो डिटेल्स है एड्रेस वगैरह अपने जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फिल करके आपने सबमिट कर देना है और थोड़े टाइम में आपको अपनी ऑफर लेटर मिल जाएगी। इसमें कोई आपका बीच में एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है और या फिर कोई इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्ट जो है सीधा आपको जैसे ही फॉर्म फिल करोगे उसके बाद सीधा आपकी ऑफर लेटर ही आएगी और कोई बीच में प्रोसेस नहीं है, सीधा आपकी ऑफर लेटर आ जाएगी और आपके जो एडमिशन है वो हो जाएगी। बस आपको जो उसके बाद जो एडमिशन फीस देनी पड़ती है सीट रिजर्व करवाने के लिए वो सब करना है आपको पूरा प्रोसेस, पर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं देना, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद सीधा आपकी ऑफर लेटर आएगी। तो सारे डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखे हैं, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपने एडमिशन करवा सकते हो।